स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोबा सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर अमोबा के अंदर कैसे डाइजेशन होता है वो हम देखने वाले है सी अमोबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पौंड वाटर अमोईबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें पानी के अंदर यानी की पौंड के अंदर या फिर नाली लेकिन उन सब में देखने को मिलता है अमोबा के पास सेल मेम्ब्रेन है अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस है और दूसरे बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स है सी अमोबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर लेक्स एक्सेट्रा अमोबा हैज अ सेल डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट साइटोप्लाज्म यानी कि ये सारे ऑर्गेनल जो है वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर है सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सी यहाँ पर न्यूक्लियस है ये उनका सुडोपोडिया है यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है जो एंटर होगा कैसे वो मैं आपको आगे समझाती हूँ और ये फूड वैक्यूल्स है ठीक है नाउ सी अमेबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन दैट यू नॉन वेरी वेल अमोइबा जो है वो क्या करेगा कॉन्स्टेंटली अपना शेप और उसकी पोजिशन जो होगा वो चेंज करता रहता है इट पुशिश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो क्या करेगा एक या उसके ज्यादा फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होगा उसको पुश आउट करेगा दैट इज नोन एज सुडोपोडिया उसका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है दैट इज नोन एज अ सुडोपोडिया और उसे या तो हम फॉल्स फिट के नाम से भी जानते हैं फॉर मोवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड इस सुडोपोडिया का यूज वो किसके लिए करेगा मोवमेंट करने के लिए और फूड को लेने के लिए यानी कि फूड को कैप्चर करने के लिए वो सुडोपोडिया का यूज करेगा सी, पहले तो आप लोग ये समझ लो कि वो क्या खाना खाएगा वो प्लांट्स और एनिमल्स का माइक्रोस्कोपिक फूड जो होगा उसका वो खाने में यूज करता है ठीक है जो पानी के अंदर होता है वो अमोइबा फेड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट सेंस फूड इट पुशिश आउट सुडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगल फिट क्या करेगा एक तो वो माइक्रोस्कोपिक खाना खाता है जो पानी के अंदर वाटर के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल जो होगा उसका वो एज अ फूड यूज करेगा वैन इट सेंस फूड जैसे उसको फूड के बारे में स्मेल आएगी इट पुशिश आउट सुडोपोड़िया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगल्फ इट वो क्या करेगा जिस डिरेक्शन से उसको स्मेल आती होगी वहाँ पर वो उसका जो सुडोपोड़िया है वहाँ पर वो उसे भेजेगा और उसको खींच लेगा और उसको एंगल्फ कर लेगा निगल जाएगा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूअल जैसे ही उसका सूडोपोड़िया वो फूड लेके गया तो उसके जो एनिमल के अंदर फूड वैक्यूअल्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा है वो क्या करेगा फूड वैक्यूल जो था वो उस फूड को ट्रैप कर लेगा नेक्स्ट होगा डाइजेस्टिव ज्यूस दट आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूअल फूड वैक्यूअल क्या करेगा डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेगा दे एक्ट ऑन अ फूड एंड ब्रेकडाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस वो फूड के ऊपर एक्ट करेगा कौन डाइजेस्टिव जूस जो फूड वैक्यूल ने सिक्रेट किया था वो और फिर वो ब्रेकडाउन हो जाएगा फूड और वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फूड सब्सटेंस के अंदर ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्बड धीरे धीरे वो जो फूड था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो एब्जॉर्बड फूड मटेरियल्स जो है उसका वो यूज करेगा ग्रोथ के लिए मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए